आपको बता दें, राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके अगले साल पूरे देश में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में लोग राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों को जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक सर्वे भी सामने आया है। सर्वे में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में से किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। सर्वे में यह भी सामने आया है कि किस रीजन में बीजेपी कितनी सीटें हार सकती है। सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी की सीटें कम होने के साथ ही वोट प्रतिशत भी कम हो जाएगा। राजस्थान में बीजेपी को 49%, कांग्रेस को 40% और अन्य को 11% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार होने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। वहीं अगर राजस्थान में रीजन वाइज की बात करें तो हड़ौती की 7 सीटों में से 6 कांग्रेस के खाते में जाएंगी, जबकि 1 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मारवाड़ में कुल 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी। वहीं अगर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ की 8 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाएंगी। सर्वे के अनुसार शेखावटी रीजन में कांग्रेस सभी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है, जबकि बीजेपी का खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है।